जय श्री राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। जय भरतशत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो। तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो। हनुमान जी की जय हो। शिव पार्वती की जय हो। जय श्री गणेश। जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय 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 राम। सिया राम जय जय सिया राम। हे राम मेरे राम। सिया राम जय जय राम। मेरे राम सीता राम। सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। तो पाठ कहाँ तक हो गया हमारा? काकभुशुंडी जी ने बताया गरुड़ जी को कि शिव जी के श्राप के बाद फिर गुरु जी ने मेरी रक्षा की और शिव जी ने मुझे हरि भक्ति का वरदान दिया कि तुम श्री राम की नगरी में जन्म लोगे और हरि भक्ति करोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसके बाद वो जहाँ पर भी जाते श्री राम की भक्ति करते, श्री राम के गुण समूह का गान करते और सुनते। फिर वो एक बार सुमेरु पर्वत पर लोमश मुनि के पास गए और लोमश मुनि से उन्होंने सगुण और निर्गुण का भेद जाना। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे भगवान के सगुण रूप की आराधना करनी है, मुझे वो प्रक्रिया समझाइए। उसके बाद लोमश मुनि ने उन्हें बहुत सी कथाएं सुनाई और परम अधिकारी जानकर उन्हें भगवान के बारे में कुछ बताया कि भगवान ब्रह्म है, निर्गुण है, सगुण है, ये सब कुछ उन्होंने भेद बताया। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। मन गोतीत अमल अविनाशी निर्विकार निर्वधि सुख राशि सो मैं ताही तो ही नहीं भेदा बारी बीच इव गावहि बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान नाम रहित है, उपमा रहित है, निर्गुण है, उनका कोई आकार नहीं, आकार है भी और नहीं भी, और वह इच्छा रहित है। तो अनुभव से जानने योग्य है कि अपने सिर्फ अनुभव से जान सकते हैं, आप सीधे सीधे उन्हें देख नहीं सकते, अखंड है, उपमा रहित है। कहते हैं कि वह मन और इंद्रियों से परे हैं, विनाश रहित हैं, निर्मल हैं, निर्विकार हैं, सीमा रहित हैं, अर्थात उनकी कोई लिमिट नहीं है, उनकी शक्तियों की कोई लिमिट नहीं है और सुख की राशि हैं। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्वमसी, कि तू वही है, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। किसमें किसमें भेद नहीं है? कि खुद काकभुशुंडी में और भगवान में कोई भेद नहीं है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि आप में और भगवान में कोई भेद नहीं है। अब ये दो प्रकार की बातें हो गई इसमें, आप और भगवान दोनों में भेद है भी और दोनों में भेद नहीं भी। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि हमारे अंदर अगर चेतना आती है तो ईश्वर की शक्ति से ही हमारे अंदर चेतना आती है। हमारे अंदर ईश्वर का एक अंश छोटा सा, उसे हम आत्मा कहते हैं, वो जब हमारे अंदर प्रविष्ट करती है हमारे हृदय में, तब हमारे अंदर चेतना आती है। और परमात्मा स्वयं भी अंगूठे की शेप में हमारे हृदय में बैठते हैं, तब हमारे शरीर में चेतना आती है। तो हम भगवान का अंश हुए क्या नहीं? तो इस हिसाब से हमारे अंदर भगवान के अंदर कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद है भी। इस बात का क्या मतलब हुआ? भगवान के अंदर जितनी शक्तियां हैं वो हमारे अंदर नहीं आ सकती। हम तो उनके छोटे से एक अंश हैं, ना कि हम पूर्ण भगवान हैं, सिर्फ हम उनके अंश हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसे जल की एक बूंद और जल की एक बाल्टी, पूरी की पूरी बाल्टी होगी और एक बूंद, दोनों में बराबर जल है, मतलब वो उसमें थोड़ा है, उसमें ज्यादा है तो सेम जल, तो कहते हैं कि वो समान है। इसी तरह हम हैं, एक बूंद है, भगवान की एक छोटी सी बूंद है और भगवान पूरा का पूरा समुद्र है। अगर हम इस हिसाब से सुने समझने की कोशिश करें तो समुद्र में और छोटी सी बूंद में गुणों के रूप से तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ताकत के हिसाब से बहुत फर्क है। तो यही हमारे अंदर और भगवान के अंदर भेद है भी और नहीं भी, ये मतलब बनता है। तो वो मुनि उन्हें ऐसे ही समझा रहे हैं कि तुझ में और भगवान में कोई भेद नहीं है।
विभीदी भांति मोहि मुनि समुझावा निर्गुण मत मम हरिजन आवा। पुनि मैं कहूं नाय पद सीसा सगुण उपासन कहूं मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। और निर्गुण मत तो किसी के भी हृदय में नहीं बैठ सकता, आपके मेरे किसी के हृदय में बैठता नहीं है। हम एक भ्रम में जीते रहते हैं कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। वैसे भ्रम भी नहीं है, है तो भगवान निराकार भी है और साकार भी है, लेकिन निराकार रूप में हमें कुछ दिखता ही नहीं है कि कहाँ है भगवान, कैसे है भगवान। इसलिए हमारा फोल्ड डाउन होना शुरू होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। हमें साकार रूप के ही दर्शन करने चाहिए। तो कह रहे हैं कि निर्गुण रूप मेरे हृदय में बैठा ही नहीं, कैसे बैठेगा जब कुछ दिख ही नहीं रहा। कहेंगे कि जब कुछ दिख नहीं रहा तो भगवान है कहाँ, कुछ है ही नहीं। तो मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भक्ति जल मम मन मीना, किमी बिलगाई मुनीस प्रवीणा, सोई उपदेश कहु करिदाया, निज नयन ही देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है, हे चतुर मुनीश्वर ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, जल से ही उसको सांस मिलेगा, इसी तरह कह रहे हैं कि मेरा मन श्री राम जल है और मैं मछली बन गया। कहते हैं कि श्री राम के बिना मैं कैसे रहूं, मैं ऐसा हो गया था। तो कहते हैं कि मैंने उनसे फिर कहा, आप दया करके मुझे वही उपदेश या उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी इन आंखों से देख सकूं। यानी कि वो सगुण रूप के ही दर्शन करना चाहते हैं। अगर श्री राम किसी को दिख जाए तो फिर हमें और तो कुछ चाहिए ही नहीं, ना हमें निराकार से मतलब, ना हमें साकार से मतलब, हमें तो श्री राम स्वयं दिख गए, फिर तो हमें सब कुछ मिल गया। तो कहते हैं कि मुझे वो उपाय बताइए कि जिससे मैं श्री राम जी के दर्शन कर सकूं, इन्हीं आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलोकी अवधेशा, तब सुनिहाऊं निर्गुण उपदेशा, मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। कहते हैं कि मैं आपकी निर्गुण वाली बात भी सुनूंगा पर पहले उनके दर्शन करना चाहता हूं मैं, श्री राम के सगुण रूप के। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया, अर्थात वो फिर से निर्गुण के बारे में बता रहे हैं। तब मैं निर्गुण मत करी दूरी, सगुण निरूपाऊं करी हठ भूरी, उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। अब मुनि उन्हें बार बार निर्गुण बता रहे हैं पर वो बार बार सगुण सुनना चाहते हैं। अब थोड़ी सी वार्तालाप ज्यादा हो गई, बहस टाइप की बात हो गई। कहते हैं कि तब मैं निर्गुण मत को हटाकर या काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। कहते हैं कि मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ बार बार सगुण रूप बताइए मुझे, वो मुझे बार बार निर्गुण बता रहे हैं, मैं हट करके बार बार यही बोलता रहा उनकी बात काट काट कर कि मुझे सगुण बताइए। तो मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। जय सियाराम, लोमश मुनि को गुस्सा दिला दिया काकुशुंडी जी ने, क्योंकि वो निर्गुण बताना चाहते हैं और काकुशुंडी जी सगुण रूप सुनना चाहते हैं, तो आपस में विरोधाभास हो गया। तो सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानीन के हिए, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। इसका कहने का भाव है कि मुनियों का तो स्वभाव ही शांत होता है, सरल होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोई कोशिश करे उन्हें भी गुस्सा दिला सकता है। तो कहते हैं कि मैं सगुण सुनना चाहता था, वो निर्गुण सुना रहे थे, मैं बार बार हट कर रहा था कि मुझे सगुण सुनाइए और उनकी बात काटने लगा, तब लोमश मुनि को भी क्रोध आ गया। आज के लिए इतना ही करते हैं, जय